भैया एक मिनट पीछे हो ना भाई साहब। थोड़ा सा पीछे हो गया ममता भाई है ना, इनकी बहन उनको जो वहाँ पर बैठी हुई है और एक संतोष और एक ये भांजी और एक भांजा ये नीचे वाला, ये दोनों भांजा भांजी और ये सगी बहन जो बैठे हैं ना, ये संतोष और वो बहन इनके मम्मी ये है दोनों, इनकी मम्मी वो वहाँ से करीब से नहीं 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 मेरी बात ये दोनों बच्चे पवन और खुदा इनकी मम्मी वो देखेंगे। अच्छा ठीक है, दोनों बच्चे और ये दोनों बहन और वो दोनों भाई। अच्छा मन को बोलते हैं चारों बच्चे, अरे दो ये रूपाली है, ये दिव्या है, ये इनकी बच्ची और तीसरी वो है वहाँ गुड़िया जो बच्ची भारती और संतोष, ये इनकी मम्मी और ये दोनों बच्चे पूजा और पवन, ये नीतू के बच्चे हैं। अच्छा नीतू के बच्चे, और ये नीतू कौन है? इनकी चचेरी बहन है, चचेरी नहीं अच्छा, तो वो ये भतीजी इनकी भतीजी हुई हो ना, हाँ, भतीजी है और पढ़ाई के लिए यहाँ पे आए इसी घर में, हाँ बात भी सी यही है ना, उसके अलावा यही किराए के मकान में रह रहे हैं पाँच, मतलब पाँच सदस्य नहीं के रहते थे, उन्हें बच्चे पढ़े के लिए नहीं कर रहे थे, उनकी मम्मी पीतमपुर थी जो लेटी हुई है, भारती भी पीतमपुर में थी और जो संतोष है वो गोवा में रहता था, इनके पिता जी इंदौर में, तो सुरात में ही पांच लोग यहां देखा, हां यहीं देखा, ये और कोई कोई इनकी मम्मी भी नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ पांच लोग थे। अच्छा चलो बैठ जाओ, तो मुझे कुछ सारे बात बाकी लोगों को बाहर निकाल के सब इधर ही बैठो, मेरा मेरा रोड आप कर दो, कर दो पहले रोड चलता है, आप लोगों से मिल लूंगा मैं बात, और फिर उसके बाद हुआ और मैं चले गए थे शाम को, मैंने 13 तारीख को लास्ट बार।